तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है, इस योजना में क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो पहले नियमानुसार दोस्तों, आप जो है अपनी दो बेटियों के नाम पे ही जो है इस अकाउंट को खुलवा सकते थे, लेकिन अब क्या है कि आप तीसरी बेटी यानी कि तीसरी बेटी के नाम पर भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। मान लीजिए आपकी दो बेटियाँ थी, उसके बाद आपकी एक बेटी और हो गई, तो पहले नियम के अनुसार आप तीसरी बेटी के नाम पे अकाउंट नहीं खुलवा सकते थे, लेकिन अब जो है आप तीसरी बेटी के नाम पे भी यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों कि पहले बेटी के 10 वर्ष होने पर जो है वह अपना अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है 18 साल बाद ही जो है बिटिया जो है अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। उससे पहले यानी कि 0 से 18 तक होने तक उसके जो अभिभावक है ना, वही इस अकाउंट को जो है ऑपरेट करेंगे। तीसरा दोस्तों कि कुछ कंडीशन, जैसे अभिभावक यानी कि जो इसके अकाउंट को चलाएंगे, क्योंकि बिटिया यदि छोटी है तो उसमें उसके जो अकाउंट है उसमें जो पैसा जो डालेंगे वो जो है अभिभावक डालेंगे। यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में भी दोस्तों इस सुकन्या समृद्धि योजना को यहाँ पे हम बंद करवा सकते हैं। अगला दोस्तों क्या है कि यानी कि बेटी जिसके नाम पे आपने सुकन्या समृद्धि योजना की है उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई जानलेवा बीमारी उसे हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम इस अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करवा सकते हैं। अब दोस्तों इस अकाउंट में जो है ब्याज किस तरह से जुड़ेगा, तो हर वित्तीय वर्ष यानी कि एवरी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो उस फाइनेंशियल ईयर का जो ब्याज होगा वो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि साल के अंत में। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इस अकाउंट में जो न्यूनतम है 250 रुपये और अधिकतम दोस्तों इसमें 1.5 लाख रुपये आप एक वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं, लेकिन किसी वित्तीय वर्ष में यदि आप पैसा जमा करना भूल गए तो यहाँ पे 50 रुपये आपको अर्थदंड यानी कि पेनल्टी यहाँ पे दे के आगे आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए पिछले 2021 के फाइनेंशियल ईयर में आप पैसा डालना भूल गए और 2022 में आप डाल रहे हैं और आप डाल रहे हैं इसमें 1000 रुपये, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1050 रुपये डालने पड़ेंगे, ये 50 रुपये आपका यहाँ पे पेनल्टी होगा। अब नए नियम के अनुसार दोस्तों, मान लीजिए आपने 1 साल 2 साल 3 साल यहाँ पे जो है हज़ार रुपये यहाँ पे जमा किए, अब आपने यहाँ पे 4th साल कोई पैसा जमा नहीं किया, 5वें साल आपने कोई पैसा जमा नहीं किया, 6th साल भी आपने कोई यहाँ पे पैसा जमा नहीं किया, तो दोस्तों क्या होगा कि ये जो 3000 रुपये है ना, इसी का जो है ब्याज आपका जुड़ता रहेगा और जब अकाउंट आपका परिपक्व हो जाएगा तब ये पैसा, ये जो 3000 रुपये है प्लस जो इसका ब्याज है, वो यहाँ पे परिपक्व के टाइम पे जो है आपको वापस दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 जो परिवर्तन मैंने आपको बताए ये सुकन्या समृद्धि योजना में अब किए गए हैं। तो आपने अपनी बेटी के नाम पे इस अकाउंट को खुलवाया है, आपको ये जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।